अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाऊंगी चिकन की ग्रेवी, तो उसके लिए मैंने मसाला निकाला है। यहाँ मैं एक किलो चिकन के लिए लगभग 20 कलियाँ लहसुन लिया है, एक टीस्पून काली मिर्च लिया है और एक इंच अदरक लिया है, उसे बारीक काट लिया है, एक टीस्पून जीरा और चार हरी मिर्ची लिया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे एक कप दही भर के, दो टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर मिला लेंगे और एक टीस्पून हल्दी पाउडर, और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बारीक अच्छे से आपको ब्लेंड करना होगा और अब हम इसे साइड में रख लेंगे। अब हम यहाँ प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें ऑयल अच्छे से गर्म कर लेंगे और सारे ही खुशबू के मसाले इसमें डाल देंगे। यहाँ हमने तेज़पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी का इस्तेमाल किया है और तीन बारीक प्याज को अच्छे से डाल देंगे और इसे बिरस्ता कर लेंगे। जब ये अच्छे से लाल हो जाए तब हम इसमें शामिल कर देंगे अपने चिकन। यहाँ मैंने चिकन को धो के अच्छे से स्ट्रेनर में पानी ड्रेन होने के लिए रख दिया है। जब एक्सेस पानी आपका ड्रेन हो जाएगा तो उसके बाद आपको चिकन को इसमें मिलाना होगा और हाई फ्लेम पे आपको इसे तब तक कुक करना होगा जब तक चिकन का पानी अच्छे से सूख ना जाए। तो यहाँ मेरा चिकन का पानी अच्छे से सूख चुका है। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे अपने मसालों को जो हमने ग्राइंड करके रखा था और नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अनुसार और इसे हाई फ्लेम पर 10 मिनट तक अगेन इसे पका लेंगे। और उसके बाद आप इसमें शामिल कर दीजिए पानी, जितना पानी आप जितना पतला ग्रेवी आप पसंद करते होंगे, और इसे प्रेशर कुकर में ढक के रख दीजिए सीटी लेने के लिए। लो फ्लेम पे आपको कम से कम 2 सीटी लेना होगा और उसके बाद आप देखेंगे आपकी चिकन की ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। बहुत यम बनती है, ज़रूर बनाइए, बहुत डिलीशियस बनती है और आप भी इसे बनाइए। और चिकन आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है, ना ही ज़्यादा गला है और ना ही कम गला है। इस तरीके से आप बनाइए और बहुत झटपट बन जाता है। अचानक अगर आपके घर मेहमान आ जाए ना तो आप ज़रूर इसे बनाइए और ट्राई करिए। और अगर आपको मेरी रेसिपी आज की पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।